हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन एआर, इसी के साथ दैनिक जागरण, वहां की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज आई है आज, जो पीआईबी का आर्टिकल है, वो है सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर। कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि योजना की जो मिनिमम लिमिट थी 1000 रुपए, उसको भी और कम कर दिया 250 रुपए। तो कंटेक्स्ट को हम अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक बार इस स्कीम की तरफ चलते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना है वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान आया था जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, और उस स्कीम के तहत ही इस प्लान को लाया गया था। इसमें मेन मोटो ये रखा गया था कि जब भी गर्ल का जन्म होता है, चाइल्ड गर्ल का, तो उस दौरान एक्चुअली उसका अकाउंट है बैंक में ओपन किया जाएगा और उसमें मिनिमम पैसे है, हर साल की साल आप डिपॉजिट है वो करवा सकते हो। तो स्टार्टिंग में जो इसकी लिमिट थी वो ये थी कि 1 साल के अंदर आपको मिनिमम 1000 रुपए डिपॉजिट है वो करवाने हैं, बट अभी गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि भाई आप मिनिमम 250 रुपए भी डिपॉजिट है वो करवा सकते हो। ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए किया है ताकि इसका कवरेज एरिया वो बढ़ सके और जो और भी जिनकी इनकम बहुत कम है लोगों की, वो भी यहाँ पे अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकें। इसका बेनिफिट क्या होगा वो हम देखते हैं। देखो, इसके मेन दो बेनिफिट होंगे। एक तो ये होगा कि गर्ल के लिए जब उसकी शादी करनी होगी तब उस अकाउंट का पैसा वो यूज किया जा सकेगा। इसके साथ ही जब पैसा अगर डिपॉजिट किया जा रहा है तो वो उसकी हायर एजुकेशन के लिए भी यूज है वो किया जा सकता है। तो इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी काफी हद तक हमें सफलता है वो मिलने वाली है। अब इसके और जो फीचर्स है वो हम एक बार हम देख लेते हैं। इसमें देखो, गर्ल जो है इसका अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा। सबसे अहम बात हमें ये ध्यान रखनी है, चाहे चाइल्ड हो, चाहे 1 महीने की गर्ल हो या फिर आप 1 साल की हो, मिनिमम मैक्सिमम है लिमिट है यहाँ पे 10 साल तक, कि 10 साल तक ये बच्चे का इसमें अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा। इसमें हर साल पैसे डिपॉजिट है वो करवाने होंगे और 21 साल के बाद वो पैसा आप पूरा का पूरा निकाल सकते हो। 18 साल की जब लड़की हो जाएगी, उसकी एज 18+ हो जाएगी, तो उस दौरान वो हायर एजुकेशन के लिए 50% पैसा निकाल सकती है। जैसे कि मान लो कि किसी गर्ल के लिए घर वालों ने हर साल पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं और जब वो 18 साल की हो रही है तब तक उसके पास पैसे हो गए 50,000 रुपये, तो वो 25,000 रुपये है वो निकाल सकती है 18 साल के बाद। इसके बाद में बात आती है जो रिमेनिंग पैसा है वो अपनी शादी के लिए वहाँ पे निकाल सकती है और शादी के दौरान उसके अकाउंट को क्लोज है वो किया जा सकता है। तो ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे जैसा चेंज क्या किया वो मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम डिपॉजिट था वो गवर्नमेंट ने 1000 रुपये की जगह 250 कर दिया है। इसके साथ ही और देखा जाए तो जो मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकता है 1 साल का, कि भाई 1 साल में आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हो, वो यहाँ पे लिमिट है 1.5 लाख रुपये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक अकाउंट में मैक्सिमम जो पैसा है 1 साल में 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट है वो करवाया जा सकता है। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट है वो भी गवर्नमेंट ज्यादा दे रही है और जो सेविंग स्कीम है वो भी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवा रही है। इसके साथ ही जो पैसा डिपॉजिट करवाया जा रहा है उसका एक्चुअली जो इनकम टैक्स बेनिफिट है वो भी मिल रहा है, मतलब उस पर टैक्स वगैरह नहीं पे करना होगा, तो ये भी एक डबल बेनिफिट हो गया। तो ये इसके बेसिक फीचर थे। अब हम चलते हैं आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की तरफ, क्योंकि उसी का एक पार्ट है। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है ये बेसिकली 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च है वो की गई थी। इसका मेन मोटो ये था कि हमारे देश में जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको दूर किया जा सके, इसके साथ ही वुमेन की एजुकेशन है या गर्ल एजुकेशन है इसको प्रमोट किया जा सके, इसके लिए बेसिकली इस स्कीम को लाया गया था। तो आपको बताऊं, इसका मेन जो फीचर था वो ये था कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, इसके साथ ही गर्ल की एजुकेशन है उसको प्रमोट करना, ये दो बेसिक फीचर थे। बेटी बचाओ मतलब गर्ल्स को बचाना है, उनकी जो इनइक्वलिटी हो रही है उसको दूर करना है, बेटी पढ़ाओ मतलब उनको एजुकेटेड करना, ये दो फीचर्स इनके बेसिक एम थे। इसके बाद में बात ये की जाती है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो है इंडिया में उसको भी इम्प्रूव करना है। ऑब्वियसली अगर बेटियों को बचाया जा रहा है, गर्ल्स की लाइफ है वो बचाई जा रही है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो भी यहाँ से बढ़ने वाला है, साफ साफ ये चीजें हमें दिख रही हैं। इसके बाद में बात इसका मैंने कि मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री है ऑब्वियसली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसके साथ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने मिलकर इसमें यहाँ पे, और एचआरडी मिनिस्ट्री, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 3 मिनिस्ट्री यहाँ पे कोलोबरेट है वो कर रही है, क्योंकि एजुकेशन की बात आ रही है तो एचआरडी मिनिस्ट्री ऑब्वियसली यहाँ पे आएगी, बात आ रही है हेल्थ के लिए वुमेन की तो वो आ रही है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और वुमेन के लिए पर्टिकुलर काम हो रहा है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसका ये पार्ट हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना कि 3 मिनिस्ट्री का ये ट्राई जंक्शन हो गया है, ये ट्राई मिनिस्ट्रियल अफोर्ड हो गया, तो ये चीज हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी द हिंदू की न्यूज है वो आई है पब्लिक अफेयर इंडेक्स को लेके। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 है वो लॉन्च किया गया है, ये 2016 से इसकी स्टार्टिंग है इंडिया में बेसिकली वो की गई थी। अब है क्या इस इंडेक्स में, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो, इंडिया में एक थिंक टैंक है बेंगलुरु बेस्ड जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर, ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है
जो कि रिसर्च वगैरह करता है, इसके द्वारा बेसिकली ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स है 2018 पब्लिश किया गया सभी स्टेट्स का। तो इसमें अलग अलग डाटा दिया गया है हर स्टेट का कि भाई इस आधार पे वगैरह। तो हम एक बार मोटे मोटे जो हाईलाइट्स हैं वो देख लेते हैं। बात करें पब्लिक अफेयर इंडेक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो स्टेट जो गवर्नेंस में अच्छा काम कर रहा हो, सोशल एंड देखा जाए तो इकोनॉमिक तरीके से भी अच्छा स्टेप है वो उठा रहा हो, इसके बाद में बात की जा रही है गवर्निंग जो उसका सिस्टम है वो भी बढ़िया है और वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कैसी है, इसके आधार पर एक्चुअली इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो इसमें केरला ने टॉप किया है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पर रहा है और तेलंगाना थर्ड नंबर पर रहा है। ये बेसिकली यहाँ की आपको ध्यान रखना है। और बात करें चाइल्ड फ्रेंडली जो स्टेट है इसने उसकी भी इंडेक्स है वो जारी की है, मतलब वो स्टेट जो कि चाइल्ड के लिए अच्छे स्टेप उठा रहे हैं और चाइल्ड फ्रेंडली माहौल है वो अपने स्टेट में बना के रखते हैं, उनकी लिस्ट भी इन्होंने यहाँ पे पब्लिश की है। तो जो केरला है वो भी चाइल्ड फ्रेंडली स्टेट में टॉप नंबर वन पे रहा है, इसके बाद में हिमाचल प्रदेश है वो चाइल्ड फ्रेंडली स्टेट में सेकंड नंबर पे रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि केरला है वो ऑल ओवर हर तरीके से टॉप है यहाँ पे रहा है। बेसिकली इसके जो क्राइटेरिया आपको ये लगा हुआ कि यार कौन कौन से पैरामीटर वगैरह यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के 10 थीम है, 30 तरह के सब्जेक्ट लिए गए और 100 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, उनको आधार पे इसका निर्माण है वो किया गया है कि भाई वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा काम कर रहा है, वहाँ की गवर्निंग सिस्टम कैसी है, वहाँ पे जो चाइल्ड इनइक्वलिटी की बात यहाँ पे फोकस की गई है, इनकम सोर्सेज कैसे हैं बच्चों के, वहाँ पे इनकम को किस तरीके से प्रोवाइड करवा जा रही है, एक्सपेंडिचर किस प्रकार के, डिफरेंट ऐसे पैरामीटर हैं उनको सिलेक्ट किया गया है और उसके आधार पे ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स है 2018 वो पब्लिश किया गया है। तो इसमें एक तो यूपीएससी में ये पूछ सकती है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये हमें ध्यान रखना है कि पब्लिक अफेयर सेंटर है जो एक थिंक टैंक है नॉट फॉर प्रॉफिट, इसके बारे में बेसिकली यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नेशनल कल्चर फंड को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत नेशनल कल्चर फंड को अभी लास्ट 3 सालों में 904.80 लाख रुपए वो मिले हैं, ये बेसिकली इसका कंटेक्स्ट हो गया है। अब हम चलते हैं आगे इसकी तरफ, देखते हैं कि बेसिकली क्या क्या फीचर्स हैं। नेशनल कल्चरल फंड है वो एक्चुअली एक चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट है 1890 उसके तहत बनाया गया था 1996 में, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। काम क्या है इसका, इसका मेन मोटो यही है कि भाई जो पब्लिक और जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके तहत पैसा है वो कलेक्ट किया जाए नेशनल कल्चर फंड में, मतलब उस पैसे का यूज होगा कहाँ पे, उस पैसे का बेसिकली यूज होगा कल्चरल जो हेरिटेज साइट है उनको मेंटेन करने में, ये इसका बेसिक अहम फीचर हो गया है। और इसको मैनेज कौन करेगा, इस फंड को मैनेज करने का जो काम है वो हमारे कल्चर मिनिस्टर है उनके द्वारा किया जाएगा, ये आपको इसके अहम 2000 फीचर्स हैं वो ध्यान रखने। देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसे चाहिए होता है ताकि उस पैसे की हेल्प से गवर्नमेंट क्या करेगी जो कल्चरल हेरिटेज साइटें हैं उनको कंजर्व कर सके। अब गवर्नमेंट खैर ओब्वियसली फंड तो प्रोवाइड करती है बट इसके साथ अहम बात ये हो जाती है कि उस फंड को हमें ढंग से यूटिलाइज भी करना है। अब फंड लेंगे कहाँ से हम, तो उस फंड को हमें डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट तो करना होगा, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है जो पब्लिक जो प्राइवेट कंपनीज हो गई हैं या फिर आप बोल सकते हो कि और भी जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हो गई हैं उनसे एक्चुअली पैसा लेती है कि भाई आप ठीक है पैसा दीजिए, उनसे आप ये बोल लो कि डोनेशन के रूप में पैसा लेती है और उस पैसे का फिर यूज है वो यहाँ पे नेशनल जो कल्चर हेरिटेज साइट है उनको कंजर्व करने में यूज है वो किया जाता है। अहम बात इसका एक फीचर ये है कि इसका जो पैसा है ना, अगर कोई भी इंसान इसमें पैसा दे रहा है, कोई भी कंपनी इसमें पैसा दे रही है, तो उस पर 100% उसमें टैक्स फ्री होता है, मतलब उसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता है। तो इसका एक बेसिक फीचर है, मतलब इनकम टैक्स जो एक्ट है इंडिया का उस एक्ट में उसमें कोई भी अलग से टैक्स वगैरह नहीं पे करना होता है, ये इसका एक अहम फीचर होता है। तो इसके बारे में हमने देखा कि नेशनल कल्चर फंड है, इसके हेड हमें ध्यान रखना है कि कल्चर मिनिस्टर हेड होते हैं, बनाया क्या गया है, किस तरीके से इसमें फंड आता है। आपको पता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी कॉर्पोरेट कंपनी है अगर वो किसी भी एरिया में रह रही है तो ऑब्वियसली वहाँ के रिसोर्सेज का यूज कर रही है, तो अगर वहाँ के रिसोर्सेज का यूज करिए तो वहाँ के लोगों को रिसोर्सेज ऑब्वियसली थोड़े कम मिलेंगे, इसलिए उनकी उस कंपनी की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि यार हम यहाँ पे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो बेटर होगा कि हम यहाँ के लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटी वगैरह दें। तो वो क्या करती हैं, अपनी लास्ट 3 सालों की जो इनकम होती है ना उसका 2-3% जो पैसा है वो वहाँ पे खर्च करती हैं डेवलपमेंट के लिए, चाहे सड़क वगैरह बना दी या फिर पानी की पाइपलाइन वगैरह बिछा दी, इंटरनेट प्रोवाइड करवा दिया, ऐसे बेसिकली उनके द्वारा काम है वो किए जाते हैं। तो ये थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आई है सोलिकोर्निया प्लांट के बारे में। तो सोलिकोर्निया जो प्लांट है कंटेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। कंटेक्स्ट इसका ये है कि सोलिकोर्निया प्लांट है उसके अभी ये अनुमान ये पता चला है कि भाई आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसकी पैदावार है वो की जा सकती है। तो थोड़ा देखते हैं कि क्या है तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। बात ऐसी है कि सोलिकोर्निया प्लांट है वो एक्चुअली जो मैंग्रोव फॉरेस्ट वाले एरिया होते हैं ना, मतलब कोस्टल के किनारे जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं तटीय किनारों के, उस वाले एरिया में बेसिकली पाया जाता है, मतलब वहाँ पे दलदल वगैरह होता है, काफी पानी वाली भूमि होगी है वहाँ पे, देखा जाए तो सॉल्टी वाटर भी होता है, ऐसे वाले एरिया में बेसिकली
मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं, और उन्हीं एरिया में सोलिकोनिया प्लांट है वो पाया जाता है। ये जो प्लांट है ना, ये बेसिकली नमक का एक अल्टरनेटिव है। मतलब अगर कोई इंसान नमक नहीं खा रहा है तो उसकी जगह अगर वो इस प्लांट का कंजप्शन कर रहा है तो भी नमक की पूर्ति हो जाएगी। तो एक तरीके से नमक का अल्टरनेटिव हो गया। और इसका अहम फीचर ये होता है कि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत बहुत कम होती है। देखो नॉर्मली देखा जाए तो नमक का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, NaCl होता है। तो इसमें Na का मतलब क्या होगा, सोडियम, Cl का मतलब होगा क्लोराइड, मतलब नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम बहुत कम होता है क्योंकि सोडियम हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ये जो सोलिकोनिया प्लांट है ना, इसके अंदर क्या होता है, सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये जो कई बार पेशेंट वगैरह होते हैं, जैसे डायबिटीज हुआ, वैसे हार्ट के वगैरह के पेशेंट होते हैं, उनके लिए एक्चुअली डॉक्टर्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, और उस दौरान इसका यूज है वो किया जाता है, मतलब उनके लिए थोड़ा अच्छा रहता है। तो उस दौरान सोलिकोनिया प्लांट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भी थोड़ा सीन देखते हैं अब क्या है। बात ऐसी है कि इंडिया में बेसिकली ये प्रोड्यूस किया जा रहा था गुजरात वाले एरिया में, गुजरात में इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक हो रहा था। बट अभी क्या होता, कुछ टाइम से इसका प्रोडक्शन कम हो गया था गुजरात में, इसलिए इसका जो इम्पोर्ट है वो बाहर से किया जा रहा था, मतलब फॉरेन कंट्रीज से सोलिकोनिया प्लांट को इंडिया में इम्पोर्ट किया जा रहा था। बट अभी हुआ क्या, अभी आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे इसकी आप बोल सकते हो कि कुछ सबूत मिले कि वहां पे भी इसकी खेती हो सकती है। तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इस दिशा में कदम बढ़ा रही है कि भाई हम इसका बाहर से इंपोर्ट बंद करें और इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन बढ़ाएं, ताकि हमें काफी अच्छी पैदावार है वो मिल सके। तो बेसिकली ये इसका कंटेक्स्ट था। यूपीएससी ये पूछ सकते हैं कि पौधा होता कहाँ पे, तो ध्यान रखना है जो मार्सी लैंड होगा, काफी दलदली भूमि होगी मैंग्रोव फॉरेस्ट के आसपास वाले एरिया में, वहां पे बेसिकली ये पाया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज हमारी आई है वो आई है सेठ कक्कर कमेटी के बारे में। ये सेठ कक्कर कमेटी है किस लिए, इस पे यूपीएससी ही पे क्वेश्चन पूछ सकती है। देखो कंटेक्स्ट तो बेसिकली है कि सेठ कक्कर कमेटी है, उसने आर्म फोर्स की जो कैपेबिलिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए काफी सजेशन वगैरह प्रोवाइड है को है। तो बस यही हमें ध्यान रखना है कि सेठ कक्कर जो कमेटी है वो आर्म फोर्स की जो कैपेबिलिटी है, जो आप बोल सकते हो उनकी क्षमता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए आई है। इसमें बेसिकली काफी सारे सजेशन दिए गए हैं, जैसे कि जो एयर सपोर्ट सिग्नल है उनको इम्प्रूव करना है, रेडियो मॉनिटरिंग सिग्नल की बात की जा रही है, इंजीनियरिंग सिग्नल की बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ टाइम टू टाइम वर्कशॉप है वो आयोजित करवाए जाए, उनकी जो ट्रेनिंग है उसको और ज्यादा एफिशिएंट से वो बनाया जाए, ऑर्डिनेंस जो डिपो है, आई रूट जो डिपो है जहाँ पे हथियार वगैरह में जाते हैं उनको भी थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज है वो किया जाए। इसके साथ ही नेशनल जो कैडेट कोर है NCC, उसको भी थोड़ा हमें क्षमता उसकी बूस्ट करनी है, वहां पे भी नई एफिशिएंसी लेके आनी है। ये सारे बेसिकली इसके द्वारा सजेशन है वो दिए गए हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि सेठ कक्कर कमेटी है किस लिए, बस ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो आई है बॉर्डर हार्ट्स को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया और बांग्लादेश की जो ज्वाइंट कमेटी है उसने अभी बॉर्डर हार्ट को लेके जो भी कुछ इश्यूज वगैरह है उनको लेके मीटिंग की है। कहाँ पे, त्रिपुरा की जो अगरतला है वहां पे। ये आपको ध्यान है वो रखना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए दो चीजें होती हैं, एक तो हो गया मैपिंग जो मैं यहाँ पे भी डालना भूल गया हूँ, तो प्लीज आप नॉर्थ ईस्ट के मैप में त्रिपुरा की लोकेशन देखिए और इंडिया का बॉर्डर है वो बांग्लादेश को कहाँ कहाँ टच कर रहा है, एक बार कौन कौन से स्टेट को, तो उस वाली लोकेशन को आप अच्छे से निहार लीजिए। मतलब नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट और एक सिक्किम को मिला के आप उनकी लोकेशन एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो काफी अहम होती है। कई बार यूपीएससी उनको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे रेंज अरेंज करवा लेती है, तो एक बार आप लोकेशन को देख लेना। फिर जब हम ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे लोकेशंस को डिस्कस है वो कर लेंगे मैपिंग के दौरान। देखो अब ये देखते हैं कि बॉर्डर हॉट होते क्या हैं। बॉर्डर हार्ट, हार्ट का मतलब हो गया एक तरीके से मार्केट, तो मतलब बॉर्डर वाले एरिया में मार्केट है वो लगाया जाता है। तो इस दौरान हुआ क्या, बॉर्डर हार्ट का बेसिक मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज हैं वो वीक में एक बार है ना, मतलब वीक में एक दिन, 7 दिनों में एक बार क्या करती है, मार्केट लगाती है दोनों देशों बॉर्डर वाले एरिया में। इसका फायदा क्या होता है, इसका कई फायदे होते हैं। एक तो ये फायदा होता है कि दोनों कंट्रीज हैं वो आपस में सामान वामान भी बेच सकती हैं, यहाँ के जो लोकल माइनर जो प्रोडक्ट्स हैं, आप बोल सकते हो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी ले सकते हो या और भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे सब्जी फ्रूट कुछ भी वहाँ पे आ गया बाजार में, ऑब्वियसली सब चीजें बिकती हैं। तो मतलब सामान आपस में आप हम खरीद और बेच सकते हैं। इसके साथ ही जो फैमिली के लोग हैं वो भी आके आ जा के मिल सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई बांग्लादेश में रह रहा है किसी की फैमिली, तो वो भी वहाँ पे आके लोग आपस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, लोकल जो प्रोडक्ट हैं उनकी यहाँ पे क्या करती है, उनकी आप बोल सकते हो एक तरीके से मार्केटिंग की जाती है। इसके साथ ही देखा जाए तो एक तरीके से मतलब वहाँ पे जो दोनों कंट्रीज हैं उनके थोड़े रिलेशन भी इससे काफी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि लोगों के पीपल टू पीपल जो टाइज है वो भी इम्प्रूव होता है। देखा जाए तो इंडिया में जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है उसमें 4 बॉर्डर होल्ड लगते हैं, 2 तो लगते हैं मेघालय में और 2 ही लगते हैं त्रिपुरा में। तो ये ध्यान रखना है, अभी तक इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे सिर्फ 4 ही बॉर्डर होल्ड लगते हैं। गवर्नमेंट अभी उम्मीद कर रही है कि भाई 6 और बॉर्डर हॉल्ट है वो बढ़ाए जा सके। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो बॉर्डर हार्ट के लिए जो पैसा करेंसी यूज की जाती है वो दोनों देशों की करेंसी यूज की जाती है, इंडियन रुपीस भी और बांग्लादेश का जो टक्का है वो दोनों पैसे रुपया, दोनों को जो रुपीस है वो यहाँ पे यूज है वो की जाती है।
ये चीज आपको ध्यान रखने की बॉर्डर हट होते कैसे, मान लो कि ये बॉर्डर हो गया इधर बांग्लादेश से इधर इंडिया, तो इस वाले एरिया में से यहाँ कहीं भी बॉर्डर लगा लिया इधर लगा लिया, उसमें क्या लोग इधर से उधर अपना सामान आ जाके बेच सकते हैं, लोग मिल सकते हैं, एक तरीके से मार्केट ये। अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो ये ट्राइबल एटलस को लेके, ट्राइबल एटलस को लेके कंटेक्स्ट ये है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंडिया में पहली बार ट्राइबल एटलस ऑफ उड़ीसा है वो लॉन्च किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो ट्राइबल एरिया है उनकी डेमोग्राफी के बारे में बताओगा, इसके साथ ही कल्चरल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे उनके बारे में प्रोवाइड वो की जाएगी। किसके द्वारा पब्लिश किया गया वो भी हम देख लेते हैं। ये पब्लिश किया गया है एससी और एसटी जो रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो इसके साथ ही एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर के द्वारा इसको बेसिकली पब्लिश है वो किया गया है। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ किसने कोलैबोरेट किया है, वो क्या है, एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर है। इन्होंने तीनों ने आपस में मिलकर इसको एक्चुअली लॉन्च है वो किया है। इसमें 2011 के सेंसस का डाटा भी यूज है वो किया गया है। 2011 के सेंसस डाटा है उसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि हमारे देश में जो लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है वो है मध्य प्रदेश में, सेकेंड नंबर पे कहाँ पे है वो आती है उड़ीसा में। तो ये दोनों चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी यहाँ पे ये पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने ट्राइबल एटलस जारी किया, तो आप ऐसा मत सोचना कि यार मध्य प्रदेश में ज्यादा है तो मध्य प्रदेश हो सकता है, बस एक बार पढ़ा हुआ है तो हमारा काम बन जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जो न्यूज थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिया, बेसिक जो फीचर्स वगैरह थे। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्टेक्स्ट ये था कि भाई उसमें जो हर साल मिनिमम डिपॉजिट था वो 1000 रुपए था, तो अभी गवर्नमेंट ने उसको 250 कर दिया है। इसका फायदा ये होगा ताकि जो गरीब जो लोग हैं वो भी अपनी बेटियों के लिए पैसा कम डिपॉजिट करवा सकते हैं, मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा तो डिपॉजिट करवा देंगे। इसके साथ ही बात यह कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है उसके तहत ये सब स्कीम थी। इसमें मैक्सिमम जो एक साल में डिपॉजिट है वो 1.5 लाख का है, ये बेसिक फीचर हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखने। इसके बाद हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में डिस्कस वो किया, जो कि तीन मिनिस्ट्री का ट्राई जंक्शन हो गया था यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके साथ ही एचआरडी मिनिस्ट्री। इसके साथ ही हमने देखा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 में केरला ने टॉप किया है। फिर हमने देखा कि नेशनल कल्चरल फंड है उसमें काफी अच्छा पैसा मिला है 2-3 सालों के अंदर, और उस पैसे का ढंग से यूज है वो हेरिटेज साइट को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद हमने सोलिकोर्निया प्लांट के बारे में डिस्कस किया, कहाँ पाया जाता है ये भी हमें बताना चाहिए, गुजरात में, और अभी जो एविडेंस मिले वो मिले आंध्र प्रदेश में भी, उम्मीद है वो की जा रही है। इसके बाद हमने सेट कक्कर कमेटी के बारे में डिस्कस किया जो कि आर्म फोर्स की कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए है। फिर हमने बॉर्डर हॉट के बारे में जाना कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर हॉट है कहाँ कहाँ पे है, उनके बारे में हमने बेसिक फीचर्स देख लिए। लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है तो वो मैपिंग में देख लेंगे। इसके साथ ही हमने ट्राइबल एटलस के बारे में जाना कि उड़ीसा ने पहला ऐसे इंडिया में स्टेट है जिसने ट्राइबल एटलस है वो जारी किया है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।